जय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो सूत्रा यूट्यूब चैनल पर। पाराशरी वैदिक ज्योतिष में किसी व्यक्ति की दशा अंतरदशा को देखकर और समझकर ही यह प्रेडिक्ट किया जाता है, यह फलित किया जाता है कि इस व्यक्ति के जीवन में कब क्या घटना होगी। ऐसे में अक्सर माना जाता है कि शुभ भाव और शुभ ग्रह की दशा अधिकांशतः शुभ ही फल देती है और अशुभ भाव और अशुभ ग्रह की दशा आपको नेगेटिव फल देगी। यानी कि 1, 5 और 9 भाव की दशा अगर किसी व्यक्ति की चल रही है, लग्नेश पंचमेश और नवमेश की दशा अगर किसी व्यक्ति की चल रही है, तो उसको शुभ ही फल प्राप्त होंगे। ऐसे समय में उसकी तरक्की होगी, उसको लाभ होगा। और जबकि 6, 8, 12 या 7 भाव की दशा अगर चल रही है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को कष्ट फल प्राप्त होंगे, उसको दुर्घटना होने के या नुकसान होने के चांसेस अक्सर बताए जाते हैं। कहा जाता है कि जो ग्रह उच्च बैठे हो उनकी दशा आपको शुभ परिणाम देती है, जो ग्रह नीच बैठे हो उनकी दशा आपको अशुभ परिणाम देती है। किंतु प्रैक्टिकल में ये देखा जाता है, बहुत सारे लोग अक्सर ये शिकायत करते हैं कि भाई मेरी नवमेश की दशा चल रही थी और नवमेश की दशा के टाइम में पूरी नवमेश की दशा निकल गई, मुझे कोई लाभ ही नहीं हुआ, उल्टा मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया। तो ये गलती होती कहां है? अक्सर ऐसा क्यों होता है कि शुभ ग्रहों की दशा आपको शुभ परिणाम नहीं दे रही? कैलकुलेशन करने में ये गलती होती कहां है? आज के इस वीडियो में हम इसी पर बहुत ही विस्तार में चर्चा करने वाले, तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे भी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखना मत भूलिएगा। देखा, शुभ भाव या अशुभ भाव, कोई भी भाव का स्वामी हो, हर भाव के स्वामी की अपनी एक प्रकृति होती है। हर ग्रह आपको कुछ ना कुछ देता है। ऐसे में केवल यह मानना कि केवल शुभ भावों के स्वामी ही आपको शुभ फल देंगे, अशुभ भाव के स्वामी आपको नेगेटिव फल देंगे, ये अपने आप में सबसे पहला और सबसे गलत सिद्धांत है। हमेशा से मैं ये कहता हूं कि कोई भी ग्रह आपको वही देगा जो उसके पास है। एक व्यक्ति धर्मात्मा तो है मगर उसके अपने पास कुछ भी नहीं है, और अगर आप उसके पास धन की इच्छा से जाते हैं, आप उससे धन की प्रार्थना करते हैं, तो वो आपको क्या देगा? वो आपको ब्लेसिंग्स तो दे सकता है मगर वो आपकी धन से सहायता नहीं कर सकता। यानी कि जिस व्यक्ति के पास जो है वो वही आपको दे सकता है। मान लीजिएगा किसी व्यक्ति की नवमेश की दशा चल रही है, नवमेश शुक्र है। अब आप कहेंगे कि नवमेश की दशा चल रही है तो ऐसे में इस व्यक्ति का भाग्योदय होना चाहिए, और शुक्र क्योंकि नवमेश है और शुक्र की जो नैसर्गिक कारक है वो धन के कारक है, तो ऐसे में इस व्यक्ति को धन लाभ भी होना चाहिए, इस व्यक्ति को पत्नी का सुख भी मिलना चाहिए क्योंकि शुक्र उसकी पत्नी का कारक भी है। मगर हुआ क्या, धन का नुकसान भी हुआ और पता चला उसकी व्यक्ति की पत्नी उसको डाइवोर्स देकर चली गई। ऐसा क्यों होता है? देखिएगा, आपको सबसे पहले कुंडली में ये एनालिसिस करना पड़ेगा कि उस ग्रह की वास्तव में शक्ति क्या है। अगर उसके अंदर शक्ति है आपको कुछ देने की, तो ही वो आपको कुछ दे पाएगा। शुक्र नवमेश है, अच्छी बात है, मगर शुक्र अगर बहुत ही ज्यादा पीड़ित है, पाप प्रभाव में है, शुक्र में खुद ही ताकत नहीं है, तो शुक्र की दशा आपको क्या दे देगी, भले ही वो आपकी कुंडली में नवम भाव का स्वामी है। तो जब तक आप ये नहीं देखेंगे कि कुंडली में ग्रह की अपनी ताकत क्या है, अपना बल क्या है, तब तक केवल ये मान लेना कि ये ग्रह शुभ भाव का स्वामी है, शुभ ग्रह है, आपको अच्छा फल देगा, ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद आप देखेंगे अक्सर निज ग्रह आपको बहुत ज्यादा ताकत दे देते हैं, निज ग्रह की दशा अंतर दशा में आपको बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है, और पता चलता है कि उच्च ग्रह की दशा आई भी थी, उच्च ग्रह आपके शुभ भाव का स्वामी भी था, और मगर आपको मिल बटा सन्नाटा की पोजिशन रही। उसका रीजन क्या है? अभी क्या किसी व्यक्ति का कोई ग्रह नीच का होकर बैठा है, मगर नीच का होने के बाद भी अगर उसके अंदर बहुत अच्छी पावर है, सपोज किसी व्यक्ति का मंगल नीच का होकर बैठा है मगर उसका नीच भंग हो रहा है, साथ में वो मित्र ग्रहों के साथ भी है, साथ में वो किसी भी पाप ग्रह के प्रभाव में नहीं है, तो ऐसे में मंगल की दशा आपको बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट देगी, क्योंकि मंगल के अंदर ताकत है, वो दिखने के लिए नीच है मगर उसमें बहुत ज्यादा ताकत है, तो अगर उसके अंदर ताकत है तो वो डेफिनेटली अपनी पावर के हिसाब से आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई अष्टम भाव के स्वामी की दशा है तो आपको यहां पर बहुत ज्यादा नुकसान दे सकती है। आप केवल एक कारक अगर लेकर चलेंगे तो कभी भी एस्ट्रोलॉजी में फलित नहीं दे सकते। आप अक्सर देखेंगे कि अष्टम भाव के स्वामी की दशा में लोग ज्योतिष में और रिसर्च वर्क में बहुत ज्यादा सक्सेस पाते हैं। जो लोग किसी भी तरह का रिसर्च वर्क करते हैं उसमें वो लोग बहुत ज्यादा सक्सेस पाते हैं। जो लोग मंत्र साधना वगैरह करते हैं उनके लिए अष्टम भाव की दशा ईश्वर के वरदान के समान होती है। अगर सही समय पर
उनके जीवन में अष्टम भाव या अष्टम के स्वामी की दशा आ जाए तो उनको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देती है। अब सपोज आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं या सपोज आप एक साइंटिस्ट हैं, आप एक साइंटिस्ट हैं और आप रिसर्च कर रहे हैं। अभी मान लीजिएगा कोरोना चल रहा है, आप एक साइंटिस्ट हैं, आप एक डॉक्टर हैं, और इस समय में अगर आपकी अष्टम भाव की दशा चल रही है और अष्टम भाव का स्वामी आपका बहुत ही स्ट्रांग होकर बैठा है और उस समय में आप कोरोना के लिए एक वैक्सीन बना लेते हैं क्योंकि वो रिसर्च वर्क है, आप एक रिसर्च वर्क के थ्रू कोरोना के लिए वैक्सीन बनाएंगे। अगर आप यहाँ कोरोना के लिए वैक्सीन बना लेते हैं और उस वैक्सीन के बनने से पूरी दुनिया सेव होगी और आपको नोबेल पुरस्कार मिल जाता है क्योंकि आपने अष्टम भाव की दशा में काम किया, अष्टम भाव का स्वामी आपका स्ट्रांग होकर आपको अष्टम की दशा में फलित देने में सक्षम हुआ, तो आपने कोरोना की वैक्सीन भी बनाई और उस वैक्सीन के बनाने की वजह से आपको नोबेल पुरस्कार मिला, तो आप क्या कहेंगे, ये दशा अच्छी थी या बुरी थी? आपको पता चला लग्नेश की दशा भी खाली निकल गई, नवनेश की दशा भी खाली निकल गई और अष्टमेश की दशा ने आपको इतना कुछ दे दिया। मैंने अक्सर देखा है कि लोग खराब भावों के स्वामियों की दशा में बहुत ज्यादा तरक्की करते हैं, उसके सबसे बड़े रीजन यही होते हैं कि अगर किसी भी भाव के स्वामी के अंदर बल है तो वो अपनी दशा अंतरदशा में आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा ही देगा, अपने नेचर के हिसाब से, अपने कारक के हिसाब से। अब ये आपको समझना है, एक एस्ट्रोलॉजर का काम होता है कि ये पॉजिटिव रिजल्ट किस तरह से आएंगे। इसलिए हमेशा कुंडली में ग्रह की ताकत क्या है इसको एनालिसिस कीजिएगा, ग्रह की पावर किस तरह से एनालिसिस की जाती है इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज मेरे चैनल पर हैं, आप देखेंगे तो मिल जाएंगे। उसके बाद एक और प्रश्न अक्सर आता है कि यार शुक्र ग्रह की दशा 20 साल के लिए होगी, मान लीजिए मेरी कुंडली में शुक्र बहुत अच्छा है या मेरी कुंडली में शुक्र बहुत खराब है, तो क्या 20 के 20 साल मुझे कुछ अच्छा या 20 के 20 साल कुछ नुकसान होगा? मान लीजिए राहु की दशा 18 साल की होगी तो 18 साल क्या मुझे भय में ही रहना पड़ेगा या राहु के नेगेटिव रिजल्ट ही मिलेंगे? ये प्रश्न भी बहुत ज्यादा आता है, इस प्रश्न पर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, तो जुड़े रहिएगा एस्ट्रो सूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।